Hello students, today we are going to read our fifth poem, which name is A Roadside Stand, written by Robert Frost. A roadside stand, which means एक सड़क के किनारे लगाया हुआ, मतलब stand जिसको हम कह सकते हैं, या एक तरीके से एक व्यक्ति जो अपनी थोड़ी बहुत कमाई करने के लिए या आजीविका कमाने के लिए एक सड़क के किनारे पर एक अपना छप्पर या छोटा सा ढाबे जैसा कुछ खोलता है ताकि उसे कुछ बिक्री हो सके. लेट्स रीड अबाउट इट्स पोएट. पोएट के बारे में पढ़ते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th century, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के क्या थे, एक बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय अमेरिकन पोइट थे, अमेरिका के पोइट थे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट करेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा चरित्रों के बारे में, लोगों के बारे में और प्राकृतिक दृश्यों या नज़ारों के बारे में. हिज पोइम्स आर कंसर्न्ड विद, और जो उनके द्वारा लिखी गई कविताएँ थी वो मुख्य तौर पर संबंधित थी किससे, ह्यूमन ट्रेजडीज, यानी कि मानवीय दुखान से या मानव के जो एक तरीके से जैसे रोड साइड स्टैंड है तो इसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति आशा जाहिर करता है और किस प्रकार जो कवि है वो अंत में अंत चाहता है उसकी पीड़ाओं का, एंड फियर्स और दुखों का. हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और साथ के साथ उसने क्या वर्णन किया है, अपनी प्रतिक्रिया का जो जीवन की जटिलताओं से संबंधित है, मतलब जीवन कितना कष्टकारी है. एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस, और उसका सर्वश्रेष्ठ या एक तरीके से हम कह सकते हैं आखिरी जो धारणा है, ऑफ हिज बर्डन्स, यानी कि उसके भार की या जिम्मेदारियों की, मतलब उसने अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने वर्णन किया है मानवता का और किस प्रकार एक मानव जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या प्राकृतिक दृश्य में उन्होंने वर्णन किया है. उनके द्वारा रची गई कुछ रचनाएं हैं, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, बर्चेज, मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई जानी पहचानी और चिर परिचित कविताएं हैं. इन द पोएम, और जो आपकी पोएम है जिसको आप पढ़ रहे हो रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी. रोड साइड स्टैंड में क्या है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने बयां किया है या प्रदर्शित किया है जीवन को, यानी कि वो बयां करते हैं उन लोगों के जीवन को जो गरीब हैं और वंचित हैं, विद पिटीलेस क्लैरिटी, एक तरीके से जो दया रहित. क्लैरिटी का मतलब होता है कि एक इतनी दयनीय स्थिति जिसको आप बयां नहीं कर सकते, एंड विद द डीपेस्ट सिंपथी एंड ह्यूमैनिटी. और साथ के साथ उन्होंने उसका वर्णन किया है, डीपेस्ट सिंपथी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गहरी सहानुभूति के साथ, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता के साथ. तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने इस आपकी पोइम के जरिए, ये रोड साइड स्टैंड जो है, इन्होंने वर्णन किया है एक व्यक्ति का जो अपना एक स्टैंड लगाता है एक सड़क के किनारे पर, और उसको आशा है कि भाई होना हो कोई ना कोई व्यक्ति तो ठहरेगा यहाँ पर और मेरी जो आजीविका है वह चल पाएगी. उसको वह जानना चाहता है कि भाई कौन व्यक्ति यहाँ पर रुक सकता है, कौन नहीं रुक सकता है, और किस प्रकार से उसका वर्णन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. उसको पढ़ने से पहले लेट्स रीड अबाउट इट्स वर्ड मीनिंग्स. इसके वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट वन, स्पैड, विच मीन्स वेंट विद स्पीड, मूव फास्ट, मतलब तेजी से जाते हुए. पैथेटिकली, पिटिएबली, दयनीयता या करुणा भाव पैदा करने के ढंग से. प्लेड, प्लीडेड, विनती कर रहा था. डोल, स्मॉल चैरिटेबल गिफ्ट्स, आर्म्स, यानी कि तुच्छ दान या भीख जिसको हम कहते हैं. फ्लावर ऑफ सिटीज, विच मीन्स वेल बीइंग और इकोनॉमी ऑफ सिटीज, नगरों की आर्थिकता और भलाई. सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नगरों की आर्थिकता है और भलाई के बारे में लिखा हुआ है, अथवा है, ये आपको पढ़ना है आर्थिक अथवा, यानी कि भलाई को प्रेजेंट किया है. सिंकिंग, स्लो फॉल, डूबते हुए. विदरिंग, फेडिंग, मध्यम पड़ना.
एक्चुअली ये पढ़ना है, इसको भी आप थोड़ा सही कर लेंगे। ये जो वर्ड है ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है मतलब किसी चीज़ का एक तरीके से धीमा पड़ जाना। पॉलिश्ड, एलिगेंट, रिफाइंड, रिच पीपल, सुंदर, चमकदार, या जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्णन किया गया है अमीर लोगों के रूप में। आउट ऑफ सॉर्ट्स, फीलिंग अनॉयड यानी कि क्रोधित हो जाना। इसके बाद मेयर्ड या मैरिड जिसको हम कह सकते हैं स्पॉइल्ड, नष्ट करना। क्वार्ट्स जिनको हम कंटेनर्स, वेजल्स ऑफ 1 क्वार्ट ईच, बर्तन 1 गैलन के चौथाई आकार के। क्रूक्ड नेक, बेंट नेक यानी कि मुड़ी हुई गर्दन का। गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वर्ड्स यानी कि ए काइंड ऑफ पम्पकिन दैट हैज सिल्वरी वर्ड्स ऑन इट्स स्किन यानी कि एक प्रकार का कद्दू जिसके छिलके के ऊपर यानी कि जिसके ऊपरी सतह पर मस्से से उभरे हुए होते हैं। क्रॉसली, ए लिटिल एंग्रीली थोड़ा गुस्से में। मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, मेक अवर लाइफ ए लिटिल ईज जीवन को थोड़ा सा आसान बना सके। कीपिंग फ्रॉम अस, नॉट डिस्क्लोजिंग टू अस नहीं पता रही या रहे। किन, रिलेटिव्स रिश्तेदार। गैदर्ड असेंबल्ड इकट्ठे हुए। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी पीपल हु प्रिटेंडेड टू बी एंड डू गुड फॉर पीपल, लालची लोग जो गरीबों की भलाई करने के लिए दिखावा करते हैं। बेनिफिसेंट, जनरस, काइंड, दयालु। स्वार्म, ओवरशैडो, छा जाना। इनफोर्सिंग, फोर्स, कंपेल, जबरदस्ती। सूद, कंफर्ट, आराम देना। विट्स, इंटेलिजेंस, पेशेंस, बुद्धि या विवेक। कैलकुलेटेड, प्लान्ड, योजना बनाई। हार्डली, विद डिफिकल्टी, मुश्किल से। चाइल्डिश लॉन्गिंग लाइक ए चाइल्ड्स डिजायर, बचकाना इच्छा यानी कि एक बच्चों वाली इच्छा। लर्क्स, कीप्स वेटिंग साइलेंटली, खामोशी से प्रतीक्षा करते रहना या करती रहती है। 29th, स्क्वील क्राई, लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड, ऊंची और लंबी आवाज़। जो आप यहाँ पर पढ़ोगे वो ऊंची और लंबी आवाज़ किसकी आएगी? गाड़ियों के ब्रेक्स की आवाज़ आएगी। प्लो अप, टीयर अप, टर्न ओवर यानी कि उलटना। स्केल लेवल यानी कि दर्जा, यानी कि यहाँ पर जो आप पढ़ोगे वो आएगा कि जो शहर है या देहात है उनका एक तरीके से जो दर्जा है वो क्या है, मतलब वो क्या चाहते हैं। रिक्वेसाइट, डिजायर्ड, नेसेसरी, जरूरी। ओवनिंग, एडमिटिंग, स्वीकार करना। सेन, सेंसिबल, सही होना। सीम्स, अपीयर्स, लगता है या प्रतीत होता है। ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। लेट्स रीड अबाउट द पोइम। जैसा कि हमने पढ़ा है, ए रोड साइड स्टैंड बड़ी अच्छी पोइम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको बड़े करुणा में भाव से स्पष्ट किया है। इसका है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि द लिटिल ओल्ड हाउस यानी कि एक छोटा सा पुराना घर, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसको डिफाइन करते हैं, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, कि जो छोटा सा पुराना घर है यानी कि घर थोड़ा पीछे है और है सड़क के पास में ही लेकिन सड़क से थोड़ा हटके है। वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड यानी कि उसके जो सामने एक तरीके से क्या है, एक छोटा सा नया छप्पर, शेड इसको हम कहते हैं, छप्पर डाला हुआ है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड यानी कि वह छप्पर कहाँ पर है, उस सड़क के किनारे के बिल्कुल, यानी कि सड़क के जो घर है उसके बिल्कुल सामने है लेकिन सड़क के किनारे पर है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड यानी कि जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बड़ी तेजी से वहां से निकलता हुआ चला जाता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ए रोड साइड स्टैंड यानी कि एक जो वहां पर ठहराव बनाया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, यानी कि एक छप्पर जो डाला गया है, दैट टू पैथेटिकली प्लेड यानी कि जो अत्यंत दयनीय भाव से यह प्रार्थना करता हुआ प्रतीत होता है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, यानी कि यह कहना सही नहीं होगा। क्या कहना सही नहीं होगा कि फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड यानी कि वह एक छोटी सी रोटी के लिए क्या कर रहा है कि एक तरीके से उसको मांग नहीं रहा है कि भाई आप आओ और मुझे जबरदस्ती पैसे दे के जाओ और मैं इससे खाना लूंगा, यानी कि वो आपसे सिर्फ आग्रह कर रहा है। मतलब उसने स्टैंड इसलिए लगाया है कि ताकि आपको अगर कोई समस्या हो या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो आप वहाँ ठहर कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड यानी कि यह कहना, यानी कि तरीके से क्या है, बहुत सही नहीं होगा कि
कि आप ये कहो कि भाई उसने तो खामा खा लगा लिया है या पैसे कमाने के लिए लगा लिया है, पैसे कमाने हैं लेकिन वो पैसे कमाने के लिए आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, बस एक आग्रह कर रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पॉट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। क्या कहता है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, परंतु किस लिए बैठा हुआ है वो, कुछ पैसे की उम्मीद करके बैठा हुआ है, और पैसा भी कैसा, द कैश यानी कि नगद रूपी, हुज फ्लो सपोर्ट्स यानी कि वह पैसा जो जो पैसा कैसा है, द फ्लावर ऑफ सिटीज यानी कि जो फलते फूलते शहर हैं, फ्रॉम सिंकिंग उनको बचाता है किससे, डूबने से, एंड विदरिंग फेंट और साथ के साथ उनको मुरझाने से बताता है, यानी कि जो शहर हैं वो शहर फल फूल क्यों रहे हैं, संपन्न क्यों हैं, क्योंकि वहां पर पैसा बहुत ज्यादा लोग समझते हैं यानी कि एक तरीके से कमाई का जरिया है, इसीलिए उसने वहां पर अपना एक रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है ताकि क्या हो कि लोग आए और उससे कुछ सामान खरीदे, और खरीदने के बाद क्या होगा, जब सामान खरीद लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उसको थोड़े बहुत पैसे कमाई के रूप में मिल जाएंगे। और इसके बाद वो क्या कहता है, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड और इफ एवर असाइड ए मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट। क्या कहता है कभी, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए, यानी कि जो पॉलिश्ड ट्रैफिक, जो एक तरीके से अमीर लोग हैं या चमचमाती हुई जो गाड़ियों में लोग आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वो दिखाना ये चाह रहा है कि जो अच्छे से दिखने वाली गाड़ियां हैं या जो अमीर लोग हैं वो उस यानी कि अपनी गाड़ियों के साथ में वहां से गुजर कर जा रहे हैं विद ए माइंड अहेड, यानी कि माइंड अहेड का मतलब क्या है कि भाई उन्हें तो बस आगे ही जाना है, इसी दौड़ में वो वहां से निकले हुए जा रहे हैं। और इफ एवर असाइड ए मूवमेंट यानी कि यदि उसमें बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो गाड़ी के अंदर है वो थोड़ा बहुत खिड़की के बाहर देखता भी है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप, तो यानी कि कहाँ देख रहा होता है वो, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड यानी कि वो उस चीज पर देख रहा होता है कि जो स्टैंड वहां पर बनाया हुआ है, मेड का मतलब क्या हो गया, जो उसको एक तरीके से क्या दे रहा है, एक भद्दा नजारा दे रहा है या लुक दे रहा है कि यानी कि एक तरीके से जो पहाड़ी है उसका, लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया कि जो प्राकृतिक दृश्य है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, किसके द्वारा, विद द आर्टलेस पेंट। आर्टलेस पेंट का मतलब क्या होता है, जो छप्पर है वो तो एक ही रंग का है और जो घर क्या होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो विद द आर्टलेस पेंट का मतलब क्या है कि छप्पर बना हुआ है वह उस पहाड़ी वाले क्षेत्र को यानी कि जो प्राकृतिक नजारा है उसको एक अच्छा लुक नहीं दे रहा है या उसकी जो सुंदरता है उसको नष्ट कर रहा है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी कि जो लोग हैं वो भी किस तरह और देख रहे हैं कि जो वहां पर जो चिन्ह लगे हुए हैं एक तरीके से, जहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड भी कैसे हैं, एन और एस वाले जो बोर्ड हैं, और वो बोर्ड भी कैसे हैं जो प्राकृतिक सुंदरता को बिगाड़ने के लिए प्रयोग किए गए हैं, और साथ के साथ वही जो स्टैंड है वो भी क्या है, एक तरीके से उसी चीज को दर्शा रहा होता है। अब उसके बाद क्या है, ऑफर्ड फॉर सेल विद वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट, यानी कि जो उसने वहां पर रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है वह कैसा है उसका, यानी कि उसके पास एक वुडन क्वार्ट का मतलब क्या होता है, एक गैलन के चौथा हिस्से के बराबर, मतलब उसके पास एक टोकरी जैसी कोई वस्तु है और उसमें उसने जंगली बेर रखे हुए हैं, और जंगली बेर भी क्या है कि ताकि वह उनको बेच सके, इसके लिए वह उसने वहां पर उसमें एक लकड़ी के टोकरी में बक्से में जंगली बेर रखे हुए हैं, और साथ के साथ क्या है, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्स, साथ के साथ क्या है वहां पर, एक क्रूक नेकड़ का मतलब क्या हो गया, एक जिसकी मतलब डंठल जिसको हम कहते हैं एक तरीके से मुड़े हुए डंठल का, गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्स यानी कि एक तरीके से एक खरबूजा जिसको हम कह सकते हैं या जिसको हम कद्दू कह सकते हैं उस पर, यानी कि वह क्या हो रहा है वहां पर, वह दर्शा रहा है सुनहरी जो कद्दू है जिस पर चांदी जैसे एक तरीके से जिसकी त्वचा पर चांदी जैसे जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो उस पर उन्होंने किस लिए रखा हुआ है, ताकि कोई लोग आए और उसको खरीद सके। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और साथ के साथ वो यानी कि उस खिड़की से बाहर झांक कर क्या देखता है कि ब्यूटी रेस्ट यानी कि जो सुंदरता व्याप्त है इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, एक सुंदर पहाड़ी नजारे में उसको देखने के लिए वहां पर वह रुकता है। इसके बाद है, यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन
यानी कि वो क्या कहता है कि यू हैव द मनी, कि जो व्यक्ति है वो प्रतीत होता है उन लोगों से कहता हुआ कि भाई यू हैव द मनी, कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, परंतु अगर आप कंजूसपना दिखा रहे हो, यानी कि मीन्स का मतलब क्या हो गया, स्वार्थी है, कंजूस दिखा रहे हो, वाई कीप यू मनी एंड गो अलॉन्ग, यानी कि तो तुम अपने पैसे को जबरदस्ती इस प्रकार से जकड़े हुए क्यों रखे हुए हो, गुस्से में क्यों दिखा रहे हो, मतलब जैसे आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर यहाँ पर आ रहे हो तो इतना शो ऑफ करने की आपको जरूरत क्या है, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, तो अपने पैसों को आप दबाकर क्यों रखते हो और क्यों यहाँ से निकलते हुए जा रहे हो। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन, जो कवि है वह क्या कहता है कि जो नुकसान है एक तरीके से उस प्राकृतिक दृश्य को, और वो नुकसान भी किस लिए कह रहा है कि द हर्ट टू द सीनरी, कि जो प्राकृतिक नज़ारा है पहाड़ी का, जो ये वाली पहाड़ी का नज़ारा है वो उसकी शिकायत नहीं है, यानी कि जो कवि यह कहना चाहता है कि वास्तव में मेरी शिकायत ये नहीं है कि उसने छप्पर डाला हुआ है और सुंदरता को एक तरीके से नष्ट कर दिया है, उनकी शिकायत क्या है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वह जो छप्पर लगाया गया है वह किस लिए लगाया गया है, वह छप्पर इसलिए लगाया गया है ताकि जो वह व्यक्ति है वह यानी कि लोगों से कुछ ना कुछ प्राप्त कर सके, यानी कि जो कवि है वो क्या कहता है कि भाई जो सुंदर दृश्य को जो खराब किया हुआ है, जैसे एन साइन बोर्ड है, एस साइन बोर्ड है और छप्पर डाला हुआ है, उससे मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी शिकायत क्या है, यानी कि मेरा दुख क्या है, मेरा दुख ये है कि जो एक विश्वास है इसका कि भाई मैंने यहाँ पर दुकान इसलिए लगाई है ताकि मुझे कुछ ना कुछ बिक्री हो सके, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, यानी कि एक तरीके से जो विश्वसनीय जो दुख है, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, यानी कि कभी कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर शहर से दूर हमने यहाँ लगाया हुआ है एक छोटी सी दुकान को बनाया हुआ है, यानी कि हम लगाते हैं यहाँ पर एक छोटी सी दुकान, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम क्या चाहते हैं कि हमारी बस एक ही इच्छा है कि जो शहर का कमाया हुआ पैसा है, शहर के जो लोग हैं वो आए और हमसे कुछ सामान खरीदें और उस पैसे को हम अपने हाथों में महसूस करें, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बींग एक्सपेंड, यानी कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि हमारी संख्या ना बढ़े, संख्या ना बढ़ने का मतलब क्या है, अवर बींग एक्सपेंड, कि एक तरीके से जो हमारी गरीबी है या जो हम जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की संख्या ना बढ़े, इसलिए हम उस पैसे को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। आगे क्या कहता है, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और साथ के साथ यानी कि हमसे क्या वादा किया गया था कि जैसे चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हमसे वादा करती हैं कि भाई आपके जीवन को हम सुधार देंगे, आपको नए घर बना के देंगे, आपको रोजगार देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, और जो बड़े बड़े नेता हैं वो हमें क्या करते हैं कि हमें हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए हमसे वादे करते हैं, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि जो सत्ता में जो दल है इज सेड टू बी, यानी कि वह कहता हुआ प्रतीत हो रहा था हमें टू कीपिंग फ्रॉम अस, लेकिन साथ साथ हुआ क्या कि उन्होंने हमें किसी भी प्रकार से कोई जीवन प्रदान नहीं किया है, कहने का मतलब क्या है कि वो अब हमारे पास आते ही नहीं है या हमसे बात करते ही नहीं है, पहले जब उनको वोट का लालच था तब हमारे पास आए और हमसे क्या वादे किए कि भाई हम आपको एक अच्छा जीवन देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वो सब बातें धरी की धरी रह गई। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में आपका इट इज इन द न्यूज दैट, यानी कि जो कवि है वो कहता है इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, कवि क्या कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि इट इज इन द न्यूज, कि समाचारों में क्या है आजकल, यानी कि यही बातें हैं कि ऑल दीज पिटीफुल किन, यानी कि जितने भी ये दयनीय रिश्तेदार हैं या जो गरीब हैं एक तरीके से कहना क्या चाह रहा है, आर टू बी बॉट आउट, यानी कि ये खरीद लिए जाएंगे, आर टू बी बॉट आउट का मतलब क्या है कि इनकी जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी खरीद ली जाएंगी, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन सभी को एक तरीके से दया दिखाने के लिए कि भाई होता नहीं है गाँव में जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई हम जो नेता हैं आपसे वादा करते हैं कि आपकी गरीबी दूर कर देंगे, बस आपको अपनी ज़मीनें हमारे नाम करनी होंगी और हम आपको एक अच्छा सा अपार्टमेंट या बिल्डिंग बना के देंगे, ठीक उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि जितने भी हम गरीब हैं इनकी ज़मीनें खरीद ली जाएंगी
और इन सभी को इकट्ठा कर दिया जाएगा टू लिव इन विलेजेस, कहाँ पर रहने के लिए, गाँव में रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर, और ऐसे गाँव जहाँ पर क्या होगा थिएटर्स होंगे, यानी कि जहाँ पर चलचित्र होंगे, यानी कि पिक्चर जहाँ पर देखी जाती है, एंड स्टोर, और वे दुकानें, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व एनी मोर, जहाँ पर उनके पास समय नहीं होगा अपने खुद के बारे में भी सोचने का, क्योंकि क्या होता है कि ये लालच देते हैं। लालच कैसे देंगे हम आगे पढ़ेंगे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि वो लालची, यानी कि लालची भी कैसे हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि अच्छा लालच दिखाने वाले, भला करने वाले, जो एक तरीके से शिकारी रूपी बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि शिकारी रूपी जो ये दयालुता का या अच्छेपन का जो व्यवहार करते हैं, ये जो शिकारी हैं, ये क्या करेंगे, स्वार्म ओवर देयर लाइज इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, यानी कि एक तरीके से हमारा जो जीवन है उस जीवन के साथ ये क्या करेंगे, हमारे जीवन को एक तरीके से झोंक देंगे। और झोंकने का मतलब क्या है कि एक तरीके से हमें वो जीवन दिखाएंगे जो हमें जबरदस्ती जीना पड़ेगा, किसके सहारे से, कि भाई हम आपको ये लाभ देंगे, बलपूर्वक दिखाएंगे, कि भाई दिखाने का अभिप्राय क्या है कि भाई हम आपको ये देंगे, आपको हम मतलब एक अपार्टमेंट देंगे, अपार्टमेंट के पास में आपको शॉप्स मिलेंगे, थिएटर पास में होगा तो हमें बहुत सारे लाभ देंगे, और हम आपको शहर में ज़मीन दिलवाएंगे, और वहाँ पे जब हम 28 माले की बिल्डिंग बनवाएंगे तो उसमें एक अपार्टमेंट आपका भी होगा, मतलब एक तरीके से उनको लालच दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, एक तरीके से आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब क्या होता है कि उन्हें एक तरीके से कैलकुलेटेड, यानी कि बाधित किया जाएगा, या उनसे क्या किया जाएगा, एक तरीके से कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये लालच रूपी जो व्यक्ति हैं, जो एक तरीके से उनका बर्ताव करते हैं, मतलब एक तरीके से प्यार भरा जो बर्ताव करते हैं, उनका कहने का अभिप्राय क्या है, दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम, दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम, कहां पर थे हम, हाँ हम यहां पर थे, दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम, एक तरीके से कहने का अभिप्राय क्या है कि वो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास सूद देम आउट ऑफ देयर वेट्स, आउट ऑफ देयर वेट्स का मतलब क्या होता है कि हमें इतना बाधित कर देंगे, हमें इतना प्रताड़ित कर देंगे कि हम अपने खुद की जो बुद्धिमत्ता है उसके बारे में भी सोच नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो पॉइंट आता है देयर वेट्स वाला, वो यही बात कहता है कि वो खुद के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे, एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डेज, एंड बाई टीचिंग देम, और सिखाया जाएगा या हमें एक तरीके से क्या सिखाएंगे कि कैसे सोया जाता है, दे स्लीप ऑल डे, और जब ऐसे सिखाएंगे तो क्या होगा, हम सारे दिन सोते ही रहेंगे या सोते हैं, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, जैसे कि पुराना तरीका है, उनकी रात की नींद खराब कर दी जाएगी या वो करते हैं, कहने का अभिप्राय क्या है कि उनको वो लालच देंगे। लालच कैसे देंगे कि भाई जब आप हमारे साथ रहोगे तो हम, मतलब आप 8 घंटे अगर जॉब करते हो तो आपको हम सपोज करो 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 12 घंटे जॉब कर रहे हो तो वही सैलरी आपकी 30,000 है, तो कहने का अभिप्राय क्या है कि वो उनसे कह रहा है कि जब वो 4 घंटे के लालच में 10,000 रुपये का लालच जब देखेगा तो वह ज़्यादा काम करेगा, मतलब वो रात को भी अपनी नींदें खराब करेगा, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, समटाइम आई फील माई सेल्फ, कि कभी कभार मैं खुद महसूस करता हूँ, कभी का कहने का अभिप्राय क्या है, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं बहुत ही मुश्किल से यह सब सह पाता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, यानी कि मैं बड़ी मुश्किल से यह सब सह सकता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन, द थॉट ऑफ, कि जो मेरी क्या महसूस करता हूँ कि जो मेरी बेकार की जो बच्चों वाली जो इच्छा है, वो इच्छा भी कैसी है, द सैडनेस, बच्चों वाली इच्छा कैसी होती है, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वह उदासी, यानी कि मैं कौन सी वाली उदासी को नहीं सहन कर सकता, किसको सहन नहीं कर सकता, वह उदासी दैट लर्क्स, यानी कि जो दिखती है या झलकती है उस खुली हुई खिड़की के बाहर से, यानी कि जो छिपी हुई है उससे मैं वहाँ पर दिखाई देती है, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स, यानी कि दैट वेट्स ऑल डे
यानी कि जो लगभग यह है, प्रतीक्षा करती हुई प्रतीत होती है, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर यानी कि खुली प्रार्थना करती हुई प्रतीत होती है, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का मतलब क्या होता है कि गाड़ियों के ब्रेकों के लगने की आवाजें, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार या कोई भी किसी भी प्रकार की गाड़ी के ठहरने की आवाज, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, यानी कि उन सभी हजारों की संख्या में स्वार्थी जो गाड़ियां हैं जो वहां से गुजरती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायरी, सिर्फ वह आशा करता है, और आशा भी क्या करता है कि कोई एक यानी कि यह पूछ ले या जांच पड़ताल कर ले, व्हाट द फार्मर्स प्राइस आर, यानी कि तरीके से कहने का जो प्राय क्या है कि वह किसान से पूछ ले कि जो अनाज है या जो सामान आप बेच रहे हो उसकी कीमत क्या है। एंड वन डेड स्टॉप, अब अकस्मात होता क्या है कि कोई रुकता है यानी कि किसी ने ब्रेक लगाए, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, सिर्फ किस लिए कि जो वहां पर थोड़ी बहुत जो घास लगी हुई है उसको उलटने के लिए, कुचलने के लिए, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और जो वहां पर जो आंगन है यानी कि उसके सामने जगह है वह किस लिए प्रयोग कर रहा है, ताकि वह अपनी गाड़ी को एक तरीके से ब्रेक बैक करके यानी कि वापस मोड़ के वहां से चला जाए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, एंड अनदर टू आस्क, और एक दूसरी गाड़ी वहां पर रुकती है, वहां से रुकती है, द वे, पूछने के लिए रास्ता, टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि यह रास्ता कहाँ को जाता है। इसी प्रकार का ये कहने अभिप्राय क्या है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सभी एक प्रकार से कैसे हैं, स्वार्थी हैं, और स्वार्थी होने के साथ साथ उन्हें उस रोड साइड स्टैंड से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसके बाद एंड अनदर टू आस्क दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, यानी कि वहां पर एक और गाड़ी रुकती और वह पूछती, दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, यानी कि क्या उनके पास किसी प्रकार का तरीके से क्या है कि कोई तेल है या गैस है जिन्हें वो अपनी गाड़ी में यानी कि डलवा सकते हैं। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, और दे कुड नॉट, और कहने का अभिप्राय क्या है, वो गुस्से में, दिस क्रॉसली मतलब गुस्से भरे भाव से एक तरीके से कहते हुए प्रतीत होते हैं, दे कुडंट, कि इनके पास हो ही नहीं सकता जो गैस या तेल वगैरह है, दे हैड नन, उनके पास कुछ भी नहीं है, डिड नॉट इट सी या डिड इट नॉट सी, कि क्या यह देखा नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई ये है क्या, ये छप्पर है, इसमें हमें मिलने वाला कुछ है नहीं। इसके बाद क्या है, नो इन कंट्री मनी, कंट्री मनी का मतलब क्या है, द कंट्री स्केल इज ऑफ गेन, कहने का अभिप्राय क्या है, नो इन कंट्री मनी, कि जो देहात वाला जो इलाका है, इन कंट्री मनी वहां पर क्या है कि जो पैसे कमाने का जो सिस्टम है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जिस तरीके से देहात है वो विकसित कर रहा है, जो विकास कर रहा है, द रिक्वेसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, तो वहां पर क्या है कि उनमें जरूरत के हिसाब से एक तरीके से उनके कभी भी उत्साह में या उनकी जो आर्थिकता है उसमें बढ़ावा नहीं मिल पाया है, यानी कि बढ़ावा नहीं देखा गया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो देहात के रहने वाले लोग हैं, उनका जो व्यवसाय है वो ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास ठहरते ही नहीं है, वो उनसे कुछ परचेज करना नहीं चाहते हैं, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इस प्रकार क्या है कि जो उस देहात की जो आवाज़ है यानी कि जो वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से एक यहाँ पर सेट लगा हुआ है, वो लोग कहते हुए प्रतीत होते हैं कि शिकायत करते हुए प्रतीत होते हैं, आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, आई कैन नॉट हेल्प, कि मैं सहायता नहीं कर सकता इन लोगों की, एट वन स्ट्रोक, एक झटके में इनको बाहर निकालना, किससे, ऑफ देयर पेन, इनके दर्द से, एंड देन नेक्स्ट डे, यानी कि वो चाहता क्या है कि मैं अपनी जो खुशी है उसको एक तरीके से रोक नहीं पाऊंगा, वो कहता है ना, आई कैन नॉट हेल्प ओवनिंग द ग्रेट रिलीफ उट विड बी, यानी कि मैं नहीं रोक सकता अपने आप को एक बहुत बड़े इनको संकट से निकालने का, दुख से निकालने का, वो दुख भी क्या है कि इन सब के दुखों का एक ही झटके में समापन कर देना, और क्या होगा इसके बाद, जब एक झटके में सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे दुखों का समाप्त करने का अभिप्राय क्या है
कि इन सबको एक तरीके से समाप्त कर देना, इनकी जो मृत्यु, जो इनकी जो गरीबी है उसका एक तरीके से अंत कर देना। गरीबी का अंत कैसे होगा? इनकी मृत्यु से ही होगा, यानी कि जब ये एक ही झटके में सारे मार दिए जाएंगे तो इनकी गरीबी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन, और जब मुझे होश आएगा, यानी कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा या जब मेरा दिमाग है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अब दिमाग बार बार इन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, आई वंडर, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा या मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं क्या चाहूँगा कि तुम मेरे पास किस प्रकार आओगे, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और साथ के साथ जिस प्रकार, यानी कि मैंने इन लोगों का दर्द दूर किया है, ठीक उसी प्रकार आप लोग मेरा दर्द दूर कर पाओगे या करोगे। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिफाइन किया है एक रोड साइड स्टैंड को, और रोड साइड स्टैंड भी क्या है, जो आस करता है कि भाई किसी ना किसी प्रकार में उसे जो है धन प्राप्त हो जाए, और वह चाहता है कि भाई इन गरीबों के जो हालात हैं वो एक ही झटके में एक तरीके से सब समाप्त हो जाएं। और ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको भेज दिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोएम, हैव ए गुड डे।